हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। निराश होता हूँ, गिरता भी हूँ, लेकिन मैदान नहीं छोड़ता, क्योंकि उम्मीदें हमेशा जिंदा रहती हैं अपने अनुभव अपने साथ शेयर करने के लिए। स्वागत है आपका शर्मा शोकेस में। आज की कहानी, जब तक बेटी हमारे घर में है उसकी हर इच्छा पूरी करें। 5 साल की बेटी को लेकर राहुल बाजार गया। चूंकि बाजार शहर में था, आज उसकी बेटी जिद पकड़ ली थी कि पापा मैं आपके साथ चलूंगी, तो राहुल अपने 5 साल की बेटी को लेकर बाजार गया। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई, राहुल ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। राहुल को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए, क्योंकि जब वह खाया करते थे तब वो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। खैर, राहुल ने जेब में हाथ डाला, जेब में 15 रुपए थे, बाकी रुपए उसके घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उसका गांव शहर से दूर है, आने जाने में ही 10 रुपए किराया लग जाता था। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेंगे। ये सुनकर उसकी बेटी ने मुंह फुला लिया। ठीक है पापा, नहीं लेना है, बहुत महंगे गोलगप्पे, चलिए चलते हैं। राहुल के माथे में लकीरें उभर आईं। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ भी कर सकती है, कल को पराए घर जाएगी तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं, तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने के लिए। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुनने वाले, पर उसको सुनकर राहुल को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते भरे परिवार में की थी। उन्होंने पहले ही साल में छोटे छोटी यातनाएं देना शुरू कर दिया था। 2 साल तक मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता चला गया, और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर उसके घर पर पहुंची। आज वह छटपटाता है, उस बेटी के लिए गुहार लगाता है, उसके पास लौट आए और चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सके, पर यह अब असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी, गोलगप्पे वाले की आवाज से राहुल की तंदा टूटी। रुको भाई 2 मिनट, राहुल पास ही के किराने की दुकान पर था जहां पर उसने जरूरत का सामान खरीदा था। 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापिस की तो अब उसकी जेब में 40 रुपए बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर राहुल ने दबदबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई, हाँ ठीक है, जरा कम डालना, बेटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 साल की बेटी की आंखों में चमक सी आ गई, उसने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर पर है उसकी हर इच्छा जरूर पूरी करे, आगे क्या पता कोई इच्छा पूरी हो भी पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है ना, जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है, सोचती है घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मनाऊंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन वही जब मायके आती है तो आंखों में सारे दुख सारे गम छुपा लेती, माँ से मिलती है, पिता से गले लगती है, भाई के साथ खेलती है, लेकिन मजाल है कि ससुराल की एक बात कर जाती है, सिर्फ एक छोटी सी खुशी पाने के लिए वो भूल जाती है उस ससुराल को, अपने पति को। हो सके तो अपनी बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी ना रुलाएं, ये वो परियां होती हैं जो 2 परिवारों को मिलाती हैं, 2 रिश्तों को साथ लाती हैं अपने प्यार और मुस्कान के साथ। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें, हम ये भी चाहते हैं सभी पति अपनी पत्नियों को भी उसी तरह प्यार दें
क्योंकि ये पत्नियां भी किसी पिता की बेटी होती हैं और उस पिता की अंतिम और अंतिम आस आप हैं, उसके पति। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।